हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर। आज क्लास सेकेंड ईयर के लिए एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चा, और इसके पोएट है थॉमस ग्रे। तो अगर हम थॉमस ग्रे के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानना चाहें तो थॉमस ग्रे वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द एलिजी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन एंड एडमायर्ड पोएम इन English. This poem was published in 1751 and Thomas Gray became popular immediately. It is going to be night, agar thoda sa is poem ke bare mein hum dekhte hain, summary dekhte hain. It is going to be night, the poet is standing in the churchyard of a village. There are grave of the poor and unknown people in front of him. The talent of these people always remained. The poet has expressed his sympathy toward such people who suffered from poverty. We find melody mixed with and the love of common people in Gray's poem. Gray यानी जिसके कवि हैं वो। अगर हम चार लाइन पढ़ते हैं, The curfew tolls the knell of parting day. कर्फ्यू मतलब सायंकालीन घंटी। चर्च की सायंकालीन घंटी यह सूचित करती है कि दिन समाप्त हो रहा है और सायंकाल शुरू हो रहा है। द लोइंग हर्ड विल स्लोली ओवर द हिल, मतलब चरागाह। लोइंग हर्ड जो पशु थे वह रंभाते हुए, लोइंग मतलब रंभाना, हर्ड मतलब पशुओं का झुंड, वह रंभाते हुए धीरे धीरे चढ़गा से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। द प्लाउमैन होम वर्ड प्लॉट इज वियरिंग वे, और जो किसान थे वह अपने खेतों में काम करके थके हुए कदमों से धीरे धीरे वह भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। एंड लीव द वर्ल्ड टू द डार्कनेस एंड टू मी, और यह समय जो है सायंकालीन धीरे धीरे अब अंधकार में बदल रहा है, और राइटर कहते हैं कि सभी लोग छोड़ करके घर की तरफ जा रहे हैं और हमको इस अंधेरे में छोड़ दिए हैं वह अलोन अकेला। तो यह था स्टैंजा नंबर वन का एक हिंदी अर्थ। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं, द पोएट इज स्टैंडिंग इन द चर्च यार्ड ऑफ स्मॉल विलेज, ही इज डिस्क्राइबिंग द इवनिंग सीन इन दी लाइन्स। कहते हैं यार राइटर, वह एक कंट्री चर्च यार्ड यानी कब्रिस्तान में खड़े हैं, और जो छोटा सा गांव है और उसी गांव के सीन का वर्णन करते हैं। शाम का समय है इन सब लाइनों के अंदर। अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस लाइन को, द पोएट सेज दैट द डे इज कमिंग टू एन एंड, जैसा हमने बताया था पोएट में भी, यह कवि कहते हैं कि दिन जो है वह समाप्त हो रहा है। देयरफॉर द चर्च बेल आर बीइंग रंग, और शाम को गिरजाघर की चर्च की घंटी बज रही है जो यह संकेत देती है कि शाम सायं शुरू हो गया है। The cattle is their groups are returning toward the place where they could stay for the night. और जो पशु थे वो चरागाह से निकल करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं, रात के पहले पहुंचना चाहते हैं। Ringing of the church bells and returning of the cattle from the grassland is the symbol that the day is over. चर्च की घंटी का बजना और पशुओं का घर वापस आना चरागाहों से यह प्रतीक है कि दिन का समय समाप्त हो रहा है। The farmers are returning after working hard to their homes. किसान जो अपने खेतों में कठिन परिश्रम कर रहे थे, वो कठिन परिश्रम के बाद थके हुए कदमों से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अंतिम लाइन पर हम आते हैं,
द पोएट फाइंड हिमसेल्फ अलोन इन द डार्क। पोएट यह कहते हैं कि सभी लोग मुझे उस अंधेरे में अकेला छोड़ करके अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और यह पहला स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। स्टैंजा नंबर टू, बीनीथ दोज रक्त एल्म दैट यू ट्रीज से वेयर हीप्स द टर्फ इन मोनिया मॉर्निंग हीप Each in his narrow cell forever laid, the root forefathers of the hamlet asleep. Please explain, Karan. Beneath from the niche, elm, a jungle tree है, उस टेढ़े-मेढ़े अंग जंगली और यूं पेड़ के छाये में, where heaps of turf in one morning he. जहां की जमीन जो है थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, हिप्स घासों का एक ऊपर नुकीला पथरीला जैसे बना हुआ है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, और उस गांव के पूर्वज अपने उस छोटे से चर्च कब्रगाह में हमेशा के लिए सकरा है जो लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। द रूम फॉर फादर और कहल छोटा गांव, उस छोटे से गांव के जो पूर्वज हैं हमेशा के लिए वह सोए हुए हैं और वह कभी भी किसी भी तरह से उनको जगाया नहीं जा सकता है। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें हम, इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द ग्रेव इन द चर्चयार्ड वेयर द पुअर एंड द अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ द विलेज आर लाइंग ब्यूरीड। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि उस ग्रेव के अंदर, उस चर्चयार्ड में, उस कब्रगाह में, उस गांव के गरीब अनसिविलाइज्ड अशिक्षित लोग हमेशा के लिए उस कब्र के अंदर सोए हुए हैं। अगर एक्सप्लेन करते हैं हम, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, द अनसिविलाइज्ड एंड सिंपल पीपल, उस गांव के अशिक्षित साधारण व्यक्ति ऑफ द स्मॉल विलेज, छोटे से गांव के, आर लाइंग बीरीड इन द ग्रेव, जो उस कब्रगाह में, उस कब्र में पड़े हुए हैं। दीज ग्रेव्स आर वेरी सिंपल, बहुत साधारण वह कब्र है। दे आर अंडर द ओल्ड एल्म ट्री, वह एक पुराने एल्म, एक तरह का जंगली पेड़ होता है, उस पेड़ की छाया में उनके कब्र बने हुए हैं। द अर्थ ऑफ द ग्रेव्स इज अनइवन, वहां की जो जमीन है वह अनइवन है, असमतल है, एंड लॉस और पथरीली भी है, ऊंची नीची है। दीज ग्रेव्स आर कवर्ड विथ द वाइल्ड एंड ड्राई ग्रास, और वह ग्रेव्स जो है सूखी ही घासों से ऊपर उसकी उग गई हैं। द फोर फादर ऑफ द विलेजर्स आर लाइंग ब्यूरी, और उस गांव के पूर्वज जो है उस कब्र के अंदर पड़े हुए हैं चिर निद्रा में। They are not going to wake up from their eternal sleep. कोई भी चीज उनको, उस जो पड़े हुए हैं उनको कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसी वस्तु उनको उठा नहीं सकती है या जगा नहीं सकती है। यह था हमारा स्टैंजा नंबर टू का एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं स्टैंजा नंबर थ्री पर। स्टैंजा नंबर थ्री हमारे पास आता है द ब्रीज ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉथ, द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ ब्यूट सेल, द कॉक्स श्रिल कैरियन और द इचोइंग हॉर्न, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। एंड इसको अर्थ समझे अंदर, द ब्रीज ऑफ इंसेंस, हवा के हल्के झोंके, ब्रीथिंग मॉर जो प्रातः कालीन में पड़ रही है, द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ ब्यूट से, सैलो छोटी चिड़िया होती है जो अपने घोंसले से निकल करके ट्विटरिंग कर रही है, चहचहा रही है, लेकिन वह आवाज भी, वह जलती हुई सुगंधित वायु या चिड़ियों की आवाज भी उस पूर्वजों जो अपने कब्रगाह में पड़े हुए हैं कोई उनको जगा नहीं सकता या उठा नहीं सकता। द कॉक श्रिल क्रियॉन ऑन द किचन हॉर्न, मुर्गों की बांह
जो प्रातः काल लोगों की बात होती है वह और हॉर्न बिगुल की आवाज नो मोर सेल राउज देम, कोई भी ये आवाज उनको उठा नहीं सकता है फ्रॉम देयर लाउनी बेड, अपने उस कब्रगाह के बिस्तर से उन पूर्वजों को उस गांव के पूर्वजों को कोई भी जगह उठा नहीं सकता है। और टेक्स अगर देखते हैं हम है द पोएट एक्सप्रेसेस सिंपैथी फॉर द फोर फादर्स, कवि का उनके साथ बहुत सहानुभूति है ऑफ द विलेजर्स जो पूर्वज जो कब्र में बैठे हुए हैं, दे आर लाइंग ब्यूटी अंडर द ग्रेव, जो लेटे हुए हैं अपने कब्रगाह में काफी दिनों से उसके साथ पोएट की बहुत सिंपैथी है सहानुभूति है। एक्सप्लेनेशन अगर करते हैं द पोएट सेज दैट द स्वीट एंड फ्रेश एयर इज ब्लोइंग इन द मॉर्निंग, कहते हैं इस चार लाइन के अंदर कि सुबह के प्रातः काल के समय स्वीट और फ्रेश मीठी और साफ सुथरी हवा जो है वह मॉर्निंग में बह रही है। इट विल नॉट अफेक्ट द पुअर फोर फादर, इसका कोई भी प्रभाव उस पूर्वजों के ऊपर नहीं है वो आर लाइन ब्यूरी जो अपने कब्रगाह के अंदर पड़े हुए हैं अंडर द ग्रेव। द सैलो ट्विटर देयर इन द मॉर्निंग फ्रॉम इट्स नेस्ट, और जो सैलो चिड़िया है अवाले चिड़िया कहते हैं जो अपने नेस्ट से बाहर निकल के अपने घोंसले से बाहर निकल के सुबह जो चहचहा रही है और स्ट्रॉ जो स्ट्रॉ से बना हुआ सूखी घासों से बना हुआ है, बट देयर क्रीपिंग कुड नॉट अवेक देम, उनके चहचहाने की आवाज भी उनको जगा नहीं सकती। द कॉक्स शार्प क्राई, मुर्गों की तेज बांक, द डे ब्रेक प्रातः काल, बट इस वॉइस डज नॉट इफेक्ट, वह भी आवाज का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं है। द डेड पीपल, उन मरे हुए व्यक्तियों का पर जो कब्र में पड़े हुए हैं वो लाई अंडर द ग्रेव्स, जो अपने अपने कब्र के अंदर लेटे हुए हैं। द वॉइस ऑफ हॉर्न, पीपल की आवाज चाहे कितने भी जोर से क्यों ना बज रही हो विल नेवर अवेक देम, जो कभी भी उनको जगा नहीं सकती है। ये था हमारा इस स्टैंजा नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 के चरित्र।